Thanks. Welcome to Pharmatech. I'm Avinash, and in today's video, I will be explaining you one of the important rearrangement reaction, that is Beckmann rearrangement. So very first, we will look at the key points about the Beckmann rearrangement. Beckmann rearrangement, ये एक acid catalyzed reaction mechanism होता है, that is used for the conversion of oxymes of keto to the amide. So, हम इसको कोट ऐसे कर सकते हैं, इट इज एसिड कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ कीटो ऑक्साइम टू द अमाइड. जब हम कीटो ऑक्साइम का अमाइड में कन्वर्जन कर रहे हैं, सो कीटो ऑक्साइम जो है, दे कैन बी साइक्लिक कीटो ऑक्साइम और इट कैन बी असाइक्लिक कीटो ऑक्साइम. जैसे साइक्लोहेक्सेनोन का जो ऑक्साइम रहेगा, दैट विल बिकम साइक्लिक कीटो ऑक्साइम. और अगर आप किसी नॉर्मल यू कैन से एसीटोन का ऑक्साइम लेते हो, तो दैट विल बिकम असाइक्लिक कीटो ऑक्साइम. अगर आपके पास साइक्लिक कीटो ऑक्साइम है, उसको अगर आप अमाइड में कन्वर्ट करते हो, द अमाइड ऑफ साइक्लिक कीटो ऑक्साइम, हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं लैक्टम, जैसे कि आप यहां देख रहे हो. सो इट्स अ अमाइड ओनली, बट वी से इट एज अ लैक्टम एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम. और यहां पर अगर असाइक्लिक ऑक्साइम से आपने अमाइड बनाया है, तो यू कैन सी दिस एज अ अमाइड बॉन्ड ओवर हियर. और ये अमाइड हमने बैकमैन रीअरेंजमेंट से ही यहां पर इंड्यूस किया है. ये रिएक्शन के लिए जो हम एसिड्स यूज करते हैं, दोज एसिड्स कैन बी सल्फ्यूरिक एसिड, वी कैन यूज HCl और वी कैन यूज सर्टेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज मेंशन, लाइक PCl5, PCl3, SOCl2, ZnO, SiO2 एंड पॉलीफॉस्फोरिक एसिड. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट एज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो इनिशियली हमारे पास क्या होगा, एक कीटोन होगा. उस कीटोन में जब हम यू कैन से हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐड करेंगे, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम. और ये ऑक्साइम में जब हम एसिड ऐड करते हैं, तो इट कन्वर्ट्स इनटू द अमाइड. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ऑक्साइम फ्रॉम कीटोन कैसे होता है. सो दिस इज अवर इनिशियल कीटोन. आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन. इसमें हमने क्या ऐड किया, वी आर एडिंग यू कैन से हाइड्रोक्सिल अमाइन. सो हाइड्रोक्सिल अमाइन का ये जो लोन पेयर है, दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि यहां पर क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. और जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म होगा. ड्यू टू दैट, ये सी डबल बॉन्ड ओ का जो बॉन्ड है, दैट विल क्लीव एंड दिस ओ विल गेट अ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बिकम माइनस. और ये नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड कर रहा है, ऑलरेडी इट इज हैविंग थ्री बॉन्ड्स, सो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा. सो दिस इंटरमीडिएट विल फॉर्म. फिर यहाँ पे प्रोटोन ट्रांसफर का रिएक्शन होगा, दिस ओ विल टेक द एच एंड यू विल गेट सर्टन इंटरमीडिएट विच विल बी स्टेबल देन द प्रीवियस वन, बिकॉज यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है. आफ्टर दैट यहाँ पे इलिमिनेशन स्टेप होगा, उसमें देयर विल बी द लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन विच विल बी फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड एंड दिस ओ विल यू कैन से विल टेक द यू कैन से द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड एंड अल्टीमेटली देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ वी कैन से द एच विल रिमेन ओ एच विल After the proton transfer, there will be a step of elimination where this OH group will be, you can say, being a good leaving group will come out and the lone pair of this nitrogen will attack over here. There will be formation of double bond and we will get certain type of intermediate. The OH which has liberated out will abstract this proton and ultimately it will give you the oxime. So in this way, by the steps of first addition followed by proton transfer, then elimination and then deprotonation, we will get the oxime. Now this oxime, when we treat with a acid, we will get a final product, जिसको हम कहते हैं the outcome of Beckmann rearrangement, that is amide. So यहाँ पर आपके पास क्या है, we are having the oxime जो मैंने previous slide पे indicate किया था. Just for our understanding, मैंने यहाँ पे numbers दिए as 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can number in this way also. अभी यहाँ पे जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, दिस सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोटोनेट दिस ओएच ग्रुप, इट विल बिकम ओएच2, अल्टीमेटली इट विल गेट अ प्लस चार्ज. और यहाँ पे जब ये ओएच2 बनेगा, सो इट्स अ वाटर मॉलिक्यूल, गुड लिविंग ग्रुप, सो इट विल ट्राई टू कम आउट. एंड एट दिस स्टेप देयर विल बी अ रीअरेंजमेंट, द बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस नाइट्रोजन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल ब्रेक, बिकॉज देयर इज अ इंड्यूस्ड पोलैरिटी इन दिस बॉन्ड एंड दिस
As this bond will break, the electron will attack on the nitrogen and nitrogen will become a part of ring system. The ring expansion will occur. So this is the expanded ring. You can see that it is now 7-membered ring. And the carbon will get a positive charge. So why positive charge is coming on this carbon? Because we know ki ye bond jo hai wo break ho ja raha hai. Aur yahan se jo electron hai wo nitrogen ke saath bond kar rahe hai. So ultimately now this carbon is having just 3 bonds with it. While this nitrogen is, you can say, having complete octet, here you can show one lone pair also. It is forming 3 bonds and one lone pair. So this is how we will get a, you can say, a stable carbocation. Not a stable, but a carbocation. Now this carbocation will be attacked by the water molecule and you will get a protonated form of, you can say, hydrated form of this carbocation. Next to that, there will be a step of deprotonation. This deprotonation is because of this conjugate base which has generated in this step. So, ye kya karega? Proton ko abstract kar lega. There is a formation of H2SO4 and you will get this further intermediate. Now, this intermediate will undergo a reaction as a tautomerism. It will rearrange and the H will be taken up by the nitrogen and ultimately you will get a NH C double bond OH, a protonated form of the previous derivative. And at the end, we can say this further generated, you can say, conjugate base will abstract the proton and there will be formation of amide. So this is how the Beckmann rearrangement occurs. So this Beckmann rearrangement, when it takes place, if there is any substituent present, then that substituent will definitely affect the overall reaction sequence. जैसे कि यहाँ पर हमने मैंने कहा था कि वी कैन नंबर इन एनी वे, तो ये जो नाइट्रोजन है वो रिंग के अंदर आया है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता एट द पोजीशन 5 और एट द पोजीशन 3, तो वो डेफिनेटली गाइड करता कि ऑन विच साइड द नाइट्रोजन यू हैव टू इंडिकेट, वेदर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड. सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ पे हमने क्या लिया है, वी कैन से वी हैव टेकन एज अ एसिटोफिनोन. अभी एसिटोफिनोन का ये ऑक्साइन बन गया. There can be two way we can write the oxime of acetophenol. तो एक हो गया हमारे पास syn isomer उसका और दूसरा हो गया anti isomer. Now why we call it as a syn isomer or anti isomer? I have already made one video with reference to the, you can say, geometrical isomers and its nomenclature or configuration we can say. So you can watch that video to know it better. So you may get a syn isomer of it or you may get a anti isomer of it. Once this syn and anti will form, you can see the product. देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, once we are indicating over here that methyl group is migrating to the nitrogen and we got this product. And in second case, we are indicating that phenyl group is migrating to the, you can say, over nitrogen and we will get the other type of product. I should indicate it in a way as, I have to make the bond in other way. So I should write that on this side, there will be a phenyl group. We can get two different type of product due to the migration. So over here, we can write as a phenyl group. And over here, there will be a CH3 group. So from this, humko ye samajh mein aata hai ki the migration of the groups is also one of the part which affect the product forming due to Beckmann rearrangement. Coming to the next part, that is the application of Beckmann rearrangement. So Beckmann rearrangement can be used for the synthesis of certain well-known molecules, like you can say paracetamol. So in paracetamol, there is an amide bond which can be induced by Beckmann rearrangement if we do the synthesis starting from phenol. Here it's a caprolactam. If we are synthesizing it from cyclohexanone, then again by Beckmann rearrangement, we can introduce the nitrogen inside the ring. And the molecule benzapyrid can be synthesized again by taking the help of Beckmann rearrangement, because here there is again the lactam ring. So Beckmann rearrangement has a wide application in the synthetic chemistry. So this is all about the Beckmann rearrangement and its application. So if you like my video, then please don't forget to share it with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching Pharmatech.